हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार हम लोग अपने क्लास में ज्वाइन हुए। हम लोग ने अब तक मी और मोर ये दोनों हमने सीखे, किस तरह से मी अलग अलग फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं, मोर आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मोर के अंदर आप जो है फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एल जीरो बी के अंदर हमने फॉर्मूला जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एक्स बार इसी तरह वो हमने सीखा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई यू एच ये हमने सीखा। फिर हमने ये भी सीखा कि ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये भी हमने सीखा। और अब हम थर्ड जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें मीन मीडियन और मोड तीन अलग अलग फाइंड करने हैं, जिसका मीन और मोड हमने फाइंड कर लिया था। अब हम लोग जो फाइंड करने जा रहे हैं वो है मीडियन। मीडियन मतलब एम एम ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा टू है डायरेक्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर टू के अंदर ऐसा है कि आपको जो है एक्स जो वाई मतलब अननोन फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है उसके बारे में है। सो सबसे पहले आपके पास है क्लास 0 टू 10 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 40 टू 50 एंड 50 टू 60 फ्रीक्वेंसी के तौर पे 5 देन वी हैव एक्स देन वी हैव 20 देन वी हैव 15 देन वी हैव वाई एंड देन वी हैव 5। तो ये आपका दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका फॉर्मूला, या फिर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ कि मीडियन इसी वर्ग को एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इनटू एच। सो डिफरेंट अलग अलग चीजें आपको फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है, एन अपॉन टू फाइंड करना है, सी एफ मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फाइंड करना है, एफ फ्रीक्वेंसी और एच मतलब जो आपका क्लास साइज है वो फाइंड करना है। अगर हम इन सब चीजों को देखें तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, हमेशा जब भी मीडियन फाइंड करना है तो ये दिया है आपको एफ और यहाँ पे आ जाएगा सी एफ। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कैसे फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखिए, सबसे पहले आप लिखिए 5, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा रहेगा 5, 5 में x प्लस करना है दैट इज 5 प्लस x, उसके बाद 20 करना है तो दैट इज 25 प्लस x, देन वी हैव 25 प्लस 15 दैट इज 40 प्लस x, देन वी हैव y, सो देन वी हैव 40 प्लस x प्लस y एंड 40 प्लस 5 is 45 plus x plus y. If we make the total of this, so हमें जो total मिलेगा वो है 45 plus x plus y. 45 plus x plus y. इसका जो total है, मैंने आपको उस समय पे भी बताया था कि जब भी आपको कोई missing frequency find करनी है, मतलब इसमें आपको x और y find करनी है missing frequency, इस missing frequency के अंदर हमेशा जो आपको find करना है दिया हुआ रहेगा, जैसे आपको मीडियन इसमें फाइंड करना है तो मीडियन दिया रहेगा, मोड फाइंड मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो मोड दिया रहेगा, अगर आपके पास मीन है मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो मीन दिया रहेगा। मीडियन के अंदर हमेशा कंसीडर होता है जो इसका टोटल होता है वो दिया रहता है, जो क्वेश्चन के अंदर साफ तौर पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और इसमें दिया है तो मीडियन ऑफ दिस इज 28.5 ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y और इसका जो टोटल दिया हुआ है वो 60, सो इज इक्वल टू 60 कर लेते हैं तो 60 माइनस 45 अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 15 आता है, 15 इक्वल्स टू x प्लस y। सो अब हम कंसीडर करते हैं अलग डिफरेंट सिचुएशन कि सी एफ आपका मिल गया, आपको जो मीडियन है वो दिया हुआ है, मीडियन आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है हमने अभी मीडियन
8.5 जो मीडियन है आपका वो दिया हुआ है। देन आप फॉर्मूले के हिसाब से आप प्लेस करते हैं मीडियन, मीडियन मींस 28.5, तो आपने यहां पे प्लेस किया 28.5 देन इक्वल्स टू व्हाट इज योर एल, एल वी हैव अगेन वी हैव टू रिमेंबर दैट इन मोड जो हमने कंसीडर किया था द मॉडल क्लास व्हिच वी हैड, जो मॉडल क्लास था उस मॉडल क्लास के अंदर आपका जो लोअर लिमिट था वो हमारा एल था। सो सिचुएशन भी थोड़ा बहुत वैसे है, आपके पास टोटल दिया हुआ है 60, देखो इसमें अच्छी तरह याद रखना टोटल दिया है 60, तो 60 अपॉन 2 कीजिए दैट इज n बाय 2, तो 30 इज इक्वल टू n बाय 2, 30 इज इक्वल टू n बाय 2 मतलब अब आपके पास 30 कहां पे आ गया। अच्छा दूसरा, जब भी आपके इस मीडियम के अंदर L फाइंड करने की बात है, मैं फिर से बोलता हूँ जो L फाइंड करने की बात है वो हमेशा याद रखती है कि आपका मीडियम क्या दिया हुआ है, 28.5 दिया हुआ है, जो मीडियम दिया हुआ है 28.5 when we can consider this 28.5 just for example we have a class 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 and 50 to 60 these are the various class, in this various class in what manner we can consider 28.5, किस में 28.5 consider किया जा सकता है। I think 20 to 30 में आपका 28.5, क्योंकि 20 to 30 में क्या आएगा आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 28.5 means चलो 28 हुआ, तो 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, फिर 28.9 आएगा और फिर 30 है, तो यानी कि 28.5 आपका कंसीडर होगा इसके अंदर। सपोज इसके जगह पे लिखा रहता 36.2, तो 36.2 तो भाई 30 से 40 के बीच में 36.2, चलो सबसे अगर हम लिखते हैं 48.36, तो 40 और 50 के बीच में 48 आएगा, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, like this, ये आपको याद रखना है। तो 28.5 आप कंसीडर कीजिए, तो ये 20 से 30 के बीच में आया, सो 28.5 आपने लिखा, L is equal to आपका 20 आया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया 20 L is equal to 20 प्लस L upon 2 जो आपने यहां पे लिखा है ऑलरेडी 30 माइनस आपके पास जो, अच्छा इसमें अब F and CF कंसीडर करना, तो जहां पे भी आपका ये f है तो ये आएगा f और ये आएगा c है, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। नाउ फिर से कंसीडर करो कि f कौन सा है, जहां पे आपने l लिया हो, ये आपने l लिया, दिस इज l, l लिया है, l के वहां पे f होगा, कंसीडर द f एंड जस्ट उसके ऊपर वाला द अपर पोर्शन कंसीडर्ड एज अ cf क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो देयर इज cf, cf इज 5 plus x, write down 5 plus x like this way, then we have f frequency, the frequency जो आपका है वो है frequency is 20, here it is 20, so write down 20 and h is 10, again ठीक से देखिए m is 28.5, L is 20, then n upon 2, that is 30, minus CF, CF we have considered, मैंने आपको बोला था जहाँ पे F होगा, ठीक उसके ऊपर वाला CF होगा, CF 5 plus x work upon 20, 20 यहाँ पे F लिखा हुआ है, into H मैंने आपको फिर से बोला था कि आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, 10 minus 0 is 10, so here it is 10. So again the same situation we have to
plus x upon this can be cancelled, 10 is a 20, so it is 2. So 28.5 minus 20 is 8.5. So consider 8.5 equals to 35 plus minus 5 plus x upon 2. What you have to do is कि आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 8.5 इनटू 2 8.5 इनटू 2 इसी कर दो 30 माइनस 5 एंड माइनस x 8.5 इनटू 2 क्या होगा आपका 8.5 इनटू 2 इस 17 17 इसी कर दो 30 माइनस 5 is 25 minus x. So 25 will come this way. 17 minus 25 is equal to minus x. So it is minus 8 is equal to minus x. Minus minus cancel. So x is equal to 8. X is equal to आपका 8 तो आपने x find कर लिया. X is equal to 8. इस पार्ट के अंदर आप देखेंगे आपने पहले फाइंड कर लिया है x plus y is equal to 15 x plus y is equal to 15 so I have calculated the value of x that is 8 so 8 plus y is equal to 15 so y equals to 15 minus 8 y is equal to 7 y equals to 7 so two things that is x one we have to calculate so we have calculated already but consider that x first this one is x and this one is y let us recall all these things again this is the class of question number 2 if you want to write it is question number 2 first of all class is given 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 क्लास के बाद आपके पास दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 5x 20 15 y and 5 क्लास इज गिवन देन वी हैव cf दैट इज क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हाउ कैन वी कंसीडर cf सो 5 फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 5 5 plus x is 5 plus x देन 20 5 plus 20 is 25 plus x 25 plus 15 दैट इज 40 40 plus x 40 plus x plus y consider 40 plus 5 that is 45 45 plus x plus y so this is your frequency cumulative frequency after considering cumulative frequency aapko iska plus karna hai ye pura plus karne ke baad 5 plus 20 plus 15 plus 5 inko plus karne ke baad aata hai 45 45 plus x plus y टोटल फ्रीक्वेंसी 60 तो 60 माइनस 45 करेंगे तो 15 आएगा 15 इज इक्वल टू x प्लस y इसको आप एज इट इज रख दीजिए टोटल 60 है तो 60 अपॉन 2 n अपॉन 2 कर लीजिए n अपॉन 2 मतलब 30 तो n अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 आ गया उसके बाद देन वी हैव रिटन द फार्मूला दैट इज m m इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस cf upon f into h now consider m m is equal to 28.5 जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है 28.5 l l मैंने आपको बोला था कहां लेना है कि जो 28.5 है तो 28.5 इन व्हिच क्लास वी कैन कंसीडर 28.5 सो आई कैन कंसीडर 28.5 इन 20 टू 30 So 28.5 is minus 20 equals to 28.5 equals to 20 plus this is n upon 2 that is 30 n upon 2 minus cf जहाँ पर आपका l रहेगा वहीं पे f consider करना है उसके just ऊपर वाला आपको cf consider करना है तो this is l plus n upon 2 minus cf upon f into h 10 to the
So 2 is there. 28 minus 20, side change, sign change. 28 minus 20 is 8.5. 30 minus, bracket open kiya. Jab bhi aap bracket open karenge, to minus 5 hoga. Aur plus minus, minus hoga, minus x. So 8.5 means 17. 17, this 30, minus 5 and minus x. So 30 minus 5, first of all we have done 25. Here 25 hua, then we have x. So again, sign change, so 17 minus 25 is minus 8 and minus x. In both the side we have minus sign. Yaad rakhiye, jab bhi aapke paas LHS mein minus hoga ya RHS mein minus hoga, to definite baat hai ki kahin na kahin agar LHS mein hai to RHS mein bhi minus aayega, aur agar RHS mein hai to LHS mein bhi minus aayega, kyunki minus cancel karna padega, kyunki koi bhi frequency aapki minus mein nahi aayegi. So far, तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका. माइनस कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू 8 आया. समटाइम्स y भी आ सकता है. y आएगा तो x में वैल्यू डालेंगे, y में वैल्यू डाल के x फाइंड करेंगे, x आया तो x में वैल्यू डाल के y की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो x plus y is equal to 15 है. x की वैल्यू 8 आई हैव प्लेस्ड. 8 plus y is equal to 15. So साइड चेंज 15 minus 8 is 7. So ये वैल्यू जो आपकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी बोली है, वो वैल्यू आपने फाइंड की. इस टाइप के सम्स 4 मार्क्स में आते हैं या 3 मार्क्स में आते हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है. कॉम्प्लिकेशन इसलिए कि कहीं भी आप डिवाइड, मल्टीप्लाई या फिर आपने प्लस माइनस गलती कर दी, साइन में गलती कर दी, या फिर L लेने में कंसीडरेशन गलती कर दिया, आपने f कंसीडर कर दिया, जैसे हम लोगों ने पहले दिखा था कि f1 f2 में गलती हो गई थी. सो वी हैव टू कंसीडर दिस वेरी केयरफुली. आपको क्लास ठीक से लिखना है, फ्रीक्वेंसी ठीक से लिखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक से लिखनी है, उसके बाद सीधे आप इसका टोटल करेंगे थर्ड स्टेप में, इसके बाद माइनस करके x plus y है वो लिख देंगे, लिखने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला के बाद आप इसको माइनस करके 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सीधे आप x लाएंगे एंड देन y लाएंगे एंड उसके बाद ये आपका पूरा सम क्लियर हुआ. सम जितना भी आप करें धीरे धीरे करें, स्लोली स्लोली करें, और स्लोली करने के बाद आपकी कहीं गलती नहीं होगी. अगर कहीं भी आप चूक गए तो आपको फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, जो आपके पास समय नहीं होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम. आपका सब कुछ है सबको, लेकिन टाइम नहीं बचता, क्योंकि वो कैलकुलेशन पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है. और इसलिए आपको मैंने मीन सिखाया, मीडियन सिखाया, मोड सिखाया, तीनों अलग अलग स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो चैप्टर है वो सब सिखाया. चलो इसके साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं.